स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलमी आज हम मिड टर्म तो एग्ज़ाम क्लास सेवन के बच्चों का जो कि इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है हिंदी का पेपर है और लेवल टू का है ढाई घंटे का पेपर था आपका और इसके सिक्सटी मार्क्स यानी साठ सिक्सटी मार्क्स का पेपर था आपका इसमें दो खंड थे खंड का और खंड का खंड कहाँ में आपको बहुविकल्पी प्रश्न पूछे थे और खंड कहाँ में आपको वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए थे तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं हम तो ये पैराग्राफ आपको पढ़ना था और क्वेश्चंस के आंसर करने थे बच्चे इतवार की सुबह क्या काम करते थे तो अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे बच्चे अपने पास रोई क्यों रखते थे तो वो छात्रों के इलाज के लिए रखते थे दूसरा प्रश्न है आ, इसे आपको पढ़ना और आंसर करना है चिड़िया क्या ले जाती है चिड़िया चिड़िया क्या ले जाती है तो वो जल का मोती ले जाती है नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है चिड़िया को किससे प्यार है चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है तो इसमें आपका नदी आ जाएगा अब यहाँ पे वैज्ञानिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए रंजन बहुत चतुर लड़का है तो इसमें विशेषण क्या होगा चतुर जो किसी की विशेषता बता रहा है लड़का कैसा है चतुर है नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक संख्या तो व्यक्तिवाचक बताना है तो व्यक्तिवाचक इसमें नाम होते हैं तो वो रोहन हो जाएगा फिर है मध्यम पुरुष सर्वनाम लगाकर स्थान भरिए तो मध्यम पुरुष सर्वनाम लगा के तो तुम्हारा घर कहाँ है आ जाएगा हाथ मलना हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है पछताना नेक्स्ट है अब इस पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन के आंसर करना है एनीमिया किस कारण से नहीं होता है? तो पौष्टिक आहार की कमी से हो जाता है तो कसरत करने के कारण एनीमिया नहीं होता फिर है हमारा भोजन ग्रहण करने से पहले क्या करना जरूरी है तो भोजन ग्रहण करने से पहले हाथ धोना जरूरी है किस प्रकार का आहार हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है तो पौष्टिक आहार हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है नेक्स्ट है दूषित जल व पदार्थ पदार को सेवन में क्या होता है पेट में कीड़े हो जाते हैं ऑफकोर्स निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए इसे पढ़ना क्वेश्चन के आंसर करना है पंची गगन को क्या कहकर संबोधित कर रहे हैं उन्मुक्त पंछी के पंख टूट जाएंगे कनक तिलियों से टकरा कर निबोरी कैसी है निबोरी कड़वी है पंछी कैसा जल पीने के इच्छुक हैं जो पंछी हैं वो कैसा जल पीने के इच्छुक हैं तो वो बहता जल पीने के इच्छुक हैं नेक्स्ट है यहाँ पे अनिल ने किस यंत्र को से लाल कण को देखा तो उसने सूक्ष्मदर्शी से देखा था पापा खो गए नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र लेटर बॉक्स है फिर यहाँ पे कवि ने अनार के दाने किसे कहा है तो अनार के दाने उसने सुतारों को कहा है कठपुतली कविता में पाँव पर छोड़ दो का क्या अर्थ है पैरों से सहारा हटाना स्वतंत्र करना धक्का देना या संभालना तो स्वतंत्र करना इसमें हो जाएगा खंड बा है वृणात्मक प्रश्न भाषा का मूल रूप कौन सा है तो भाषा का मूल रूप बोली ही है तो आप इसमें बोली लिखेंगे प्रभु शब्द की भाववाचक संख्या तो इसका हो जाएगा प्रभुता प्रभुता हो जाएगा नेक्स्ट है दुर्बल शब्द का विलोम शब्द तो दुर्बल का हो जाएगा सुलभ दुर्बल सुलभ सॉरी सुलभ नहीं सुबल सुबल उल्टा बोल दिया मैंने समय मेरा भाई है वाकई में चिन्ह लगाइए तो कोमा लगा दीजिए समय और मेरा भाई है इसमें आ जाएगा नेक्स्ट है रामी की चाची को गांव वाले किस नाम से पुकारते थे तो रामी की चाची को गांव वाले धनो नाम से पुकारते थे तो पूरा आपको लिखना है रामी की चाची को गांव वाले धनो नाम से पुकारते थे रक्त के किन कणों को वीर सिपाही जाता है तो रक्त के जो सफ़ेद रक्त कण हैं उन्हें वीर सिपाही कहा जाता है वो बिजली थी या आफत ये कथन किसने कहा था तो वो खम्बे ने कहा था नेक्स्ट है दिव्या को कौन सी बीमारी थी एनीमिया तो दिव्या को एनीमिया बीमारी थी एनीमिया नेक्स्ट है कथपुतली को क्या किए बहुत दिन हो गए तो अपने छंद छुए उसे बहुत दिन हो गए तो इसमें आप लिखेंगे अपने मन के छंद छुए अपने मन के छंद छुए नेक्स्ट है कठपुतली धागों का क्या करना चाहती थी कठपुतली धागों को तोड़ देना चाहती थी तो इसमें कठपुतली धागे को तोड़ देना चाहती थी पक्षियों ने किसे लाल किरण के समान कहा गया तो पक्षियों ने अपनी चोच को लाल किरण सूर्य सूर्य की लाल किरणों के समान कहा गया तो आप लिखेंगे अपनी चोच को अपनी चोच को सूर्य के यहाँ पे मैं सूर्य लिख देती हूँ सूर्य की लाल किरणों सूर्य की लाल किरणों के समान कहा है पंछी कहाँ नहीं गा पाएंगे पिंजर बंद यानी पिंजरे बंद पिंजरे में या आप लिखेंगे पिंजर बंद वो नहीं गा पाएंगे तो पिंजर बंद वो नहीं गा पाएंगे पापा खो गए पाठ में लकड़ी लड़की को कौन सा सबसे अच्छा लगा और क्यों तो कौन सबसे अच्छा लगा उसे सबसे अच्छा कौआ लगा था क्योंकि उसने उसे पापा अपने पापा से मिलवा दिया था तो रक्त के कण शरीर में क्या कार्य करते हैं इसमें आप लिखते हैं रक्त के कण हमारे शरीर में इधर से उधर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र यानी ऑक्सीजन को ले जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ले के आते हैं और और हमारे शरीर का वेस्ट इधर ले जाते हैं तो यही आप बहुत बहुत सारे कार्य लिख सकते थे महामारी और विशीषिका के दिनों में दादी क्या उपाय करती थी वो साफ सफाई का ध्यान रखती थी शरीर रूपी तो यहाँ पे आप साफ सफाई लिखेंगे साफ सफाई का ध्यान रखती थी शरीर रूपी कारखानों को कैसे कच्चे मालों की आवश्यकता होती है तो उन्हें विटामिन आप लिखेंगे शरीर रूपी कारखाने को विटामिन जैसे कच्चे मालों की आवश्यकता होती है आप लिखेंगे दादी रामी की चाची पर क्यों नाराज थी तो दादी जो रामी की चाची पर नाराज थी क्योंकि उन्होंने जो उनसे कर्ज लिया था ना वो उसका वो दे रही थी ना वो कुछ उसके बारे में बोल रही थी नेक्स्ट है पंछी कविता के माध्यम से क्या संदेश ले देना चाहते हैं कि हमें परतंत्रता नहीं सहन जाती यानी हम गुलामी नहीं सह सकते हम पिंजरबंद नहीं गा सकते नहीं रह सकते हमें भी स्वतंत्रता चाहिए कठपुतली क्या करना चाहती है तो कठपुतली अपने धागों को तोड़ना चाहती है आजाद वो भी स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है या तंती सासों की डोरी इस कथन पंक्षियों ने किस संदर्भ में कहा है या तंती सासों की डोरी ये उन्होंने कहा है कि या तो फिर हमें आ, हमारी प्राण ले लो या तो हम अपने प्राण निछावर कर देंगे या तो हमें खुले आसमान में क्षितिज तक पहुंचने दो उड़ने दो कठपुतली किस पर गुस्सा कर रही थी धागों पर गुस्सा कर रही थी निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना था तो मेरा भारत महान आप लिख सकते हैं भारत में इतने भारत विभिन्न प्रकार का देश है जहाँ पे अलग अलग जाति धर्म वगैरह के लोग रहते हैं भारत में कितने राज्य हैं कितने आपको ये बता सकते थे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं कि कौन सी सरकार है तो मेरा भान भारत महान इसके बारे में मतलब इसने आज़ादी के वक्त कितने स्ट्रगल्स किए कितनी कठिनाइयों का सामना किया महात्मा गांधी ये सब आगे आप लिख सकते थे तीनों में से कोई एक करना था कोरोना महामारी पे भी लिख सकते थे कोरोना कैसे फैल रहा है सबसे पहले चीन के वुहान देश में आया 2019 के दिसंबर में आया था कैसे कैसे ये फैला हमें मास्क लगाना पड़ा था लॉकडाउन हो गया था तो बहुत सारी चीज़ें इसमें भी लिख सकते थे दोनों में से कोई एक आपको अगर कंप्यूटर का महत्व नहीं भी आता हो तो आप दोनों पे से एक कोई एक टॉपिक लिख सकते थे या कंप्यूटर का महत्व जिसने लिखा तो आप ये लिख सकते थे कंप्यूटर ने हमारे जीवन में कैसे उपयोग लाए आप ये लिख सकते थे लॉकडाउन में भी पढ़ाई इस कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह के से हुई तो आप अपने जीवन में कंप्यूटर का महत्व आप कैसे कैसे यूज़ करते हैं और आपके लिए ज़रूरी कैसे वो आप बता सकते थे इसमें अब आपको पत्र लिखना था कक्षा में विलम्ब से अस्सी से शॉप शब्दों में कक्षा में विलंब से पहुंचने पर श्रम के लिए प्रार्थना जाने प्रधानाचार्य को पद तो लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य और यहाँ पे स्कूल का नाम फिर दिल्ली फिर आप वो लिखते विषय फिर महोदय लिखते फिर आप सकते हैं कि आ, मैं मैं कुछ कारणवश कक्षा में विलम्ब से पहुँचा जिससे मेरी कक्षा का कुछ पाठ मिस हो गए यानी मेरे से छूट गए तो आप मुझे क्षमदान यानी मुझे क्षमादान देने का प्रयत्न करें या फिर आप मुझे माफ़ करें ये आप लिख सकते थे प्रधानाचार्य का पत्र और लास्ट में धन्यवाद और अपना नाम और कक्षा लिख सकते थे या तो इसमें ये कर सकते थे या फिर अपने मित्र को अपने विद्यालय से आयोजित दिवाली मेले के लिए आमंत्रित करते करते हुए पत्र लिखें तो अपने मित्र को अपने विद्यालय में जो आयोजित हुआ है दिवाली मेला उसमें आमंत्रित करना है यानी आपको इनमें अनौपचारिक पत्र लिखना है तो इसमें आप लिखते हैं प्रिय सबसे पहले उसका एड्रेस लिखते हैं फिर प्रिय मित्र प्रिय मित्र और आप उसके नमस्ते करते हैं या फिर कैसा है आप उसका हाल पूछें कि यहाँ पे मैं कुशल हूँ और ये आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ पे कुशल होगे कुशल होगे हमारे विद्यालय में ये दिवाली मेला आयोजित हुआ है और यहाँ पे आ, अलग अलग स्कूल से बच्चे भी आ रहे हैं लोग अपने अपनी फैमिली को भी इनवाइट यानी अपने परिवार सदस्य के साथ भी आ रहे हैं तो मैं तुम्हें अपने विद्यालय में दिवाली मेले पे इनवाइट करता हूँ यानी बुलाता हूँ आमंत्रित करता हूँ और तुम जल्दी से जल्द आना है यहाँ पर ये सब आप लिख सकते थे एंड अपना नाम और आप उसके क्या लिखते थे यानी तुम्हारा दोस्त अपना नाम लिखते थे फिर इसमें क्लास वगैरह मेंशन करने क्योंकि ये अनौपचारिक पत्र होता है ये आप अपने भाई बहनों मित्रों वगैरह को लिखते हैं तो आई होप आप ये समझ गए होंगे पूरा पेपर बहुत ईजी था बस टिक मार्क के क्वेश्चन थे और थोड़ा आपको समझ के अगर आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो आपने करने थे कितने मार्क्स आए अगर आपको मैंने जैसे आंसर बताया कितने मार्क्स आए उससे रिलेटेड चेक करिए कि आपने वही आंसर लिखा या कुछ अलग ही लिख दिया वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग यू हे बे गाइज